ऑस्कर में नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। झुककर सलाम करने में क्या हर्ज है, मगर सर इतना ना झुकाओ कि दस्तार गिर पड़े। ये शेर अगर नीतीश कुमार के लिए कहा जाए तो गलत नहीं होगा। चुनावी नतीजों के बाद जब एनडीए गठबंधन की मीटिंग हुई थी, तब गठबंधन के सभी बड़े नेता मीटिंग में शामिल हुए थे। सबने जीत की बधाई दी थी और सरकार बनाने में अपने सहयोग को साफ किया था, क्योंकि जीत के बाद कहा जाने लगा था कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन के साथ आ जाएंगे। इसी मीटिंग में एक तस्वीर देखने को मिली थी, जिसके बाद सब हैरान थे, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था। वह तस्वीर थी नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार ने अपना संबोधन दिया और उस संबोधन में मोदी का साथ निभाने की बात कही थी और फिर मोदी के पास आकर उनके पैर छुए थे। यह तस्वीर सबको हैरान करने वाली थी, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के पैर तक छूने लगेंगे। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी नीतीश कुमार से बहुत ज्यादा सीनियर हैं या फिर उम्र में बहुत बड़े हैं। उम्र में सिर्फ 6 महीने का ही फर्क है, लेकिन इसके बावजूद नीतीश द्वारा अचानक पीएम मोदी का पैर छूना क्या दर्शाता है, ये सोचने वाली बात है। इसलिए शुरुआत ही मैंने एक शेर से की, जो आपके झुककर सलाम करने और अपने दस्तार को ही किसी के कदमों में रखने के फर्क को दर्शाता है। नीतीश द्वारा पैर छूने की तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई थी। कोई तो इस तस्वीर को नीतीश की चापलूसी से भी जोड़कर देख रहा था, वहीं कोई कह रहा था कि नीतीश ने अपने कद को बहुत छोटा कर लिया। खैर, अब इसी तस्वीर को लेकर राजनीतिक रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने एक बड़ा बयान दे दिया है और कह दिया है कि उन्होंने ऐसा करके पूरे बिहार को शर्मसार कर दिया है। दरअसल प्रशांत किशोर जन सुराज अभियान के दौरान भागलपुर पहुंचे थे। यहां एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और अपने संबोधन में उन्होंने कह दिया कि नीतीश कुमार सत्ता में बने रहने के लिए पीएम के पैर छुएं। प्रशांत किशोर ने बोला, लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं नीतीश कुमार की आलोचना क्यों कर रहा हूं, जबकि मैंने उनके साथ पहले भी काम किया है। उस समय वे अलग व्यक्ति थे, उनकी अंतरात्मा को बेचा नहीं गया था। उन्होंने पिछले हफ्ते दिल्ली में एनडीए की बैठक का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि किसी राज्य का नेता उसके लोगों का गौरव होता है, लेकिन नीतीश कुमार ने मोदी के पैर छूकर बिहार को शर्मसार कर दिया। प्रशांत किशोर ने आगे कहा, मोदी की सत्ता में वापसी में नीतीश कुमार की अहम भूमिका के बारे में बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन बिहार के सीएम अपने पद का लाभ कैसे उठा रहे हैं, वह राज्य के लिए लाभ सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। वह यह सुनिश्चित करने के लिए पैर छू रहे हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद भी वह बीजेपी के समर्थन से सत्ता में बने रहें। आपको पता है कि नीतीश कुमार की जेडीयू ने इस बार के लोकसभा चुनाव में 12 सीटें जीती हैं और बीजेपी की दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार पीएम मोदी के सामने ऐसे नतमस्तक हैं जैसे पीएम मोदी का विश्वास जीतने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वैसे आपको ये भी बता दें कि प्रशांत किशोर पहली बार 2014 में मोदी के शानदार सफल लोकसभा चुनाव अभियान को संभालने के बाद सुर्खियों में आए थे। 2021 में जब उन्होंने राजनीतिक परामर्श देना छोड़ दिया था, तब तक प्रशांत किशोर ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और जगन मोहन रेड्डी सहित कई हाई प्रोफाइल राजनेताओं के लिए काम कर चुके थे। वैसे प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के लिए जो बातें कही हैं वो कितना सही है? क्या आपको भी लगता है कि नीतीश कुमार ने पीएम मोदी का पैर छूकर बिहार वासियों को शर्मसार किया है? कमेंट करके जरूर बताएं।